लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले टू के लिए आइटम सॉन्ग करेंगी श्रद्धा। क्या फिल्म में यूज होंगी 20 से 25 लाख तक की बाइक्स? आखिर कितना पे कर रहे हैं मेकर्स श्रद्धा कपूर को? क्या श्रद्धा शाह 2 में एक आइटम सॉन्ग करेंगी? दोस्तों, फिल्मी दुनिया की सुर्खियां हमेशा पता रखने के लिए हमारे चैनल, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। दोस्तों, हमने धूम, रेस जैसी पिक्चर्स में महंगी गाड़ियां और बाइक्स तो देखी ही है, पर क्या आप जानते हैं टॉलीवुड में भी महंगी बाइक्स का चलन है। शाह 2 में यूज होने वाली बाइक्स काफी महंगी है दोस्तों, जिनकी कीमत 20 से 25 लाख तक के बीच बताई जाती है। BMW S1000 RR, Kawasaki Ninja, ZX 10R ये दो बाइक्स शाह 2 में इस्तेमाल हो सकती हैं। दोस्तों, शाह पार्ट 1 में ट्रायम्फ स्ट्रीट RRS यूज हुई थी, जिसमें प्रभास काफी डैशिंग लग रहे थे। लेकिन अब जैसे मूवी का बजट बढ़ गया है तो मेकर्स प्रभास को और भी बोल्ड दिखाने के लिए बाइक्स भी महंगी चलवाना चाहते हैं। फिल्म की जिस तरीके से बजट बढ़ा रहे हैं उसी तरीके से फिल्म की एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर भी अपनी फीस पहले से ज्यादा ले रही हैं। मानना यह जाता है कि मेकर्स श्रद्धा की परफॉर्मेंस देखकर खुश है और उन्हें ऑफर 7 करोड़ का दिया है। जी हाँ दोस्तों, श्रद्धा भी इस ऑफर से खुश है। फिल्म की माने तो श्रद्धा हर पिक्चर को करने में अपनी सारी मेहनत लगा देती हैं, जिसके चलते उनकी मूवीज काफी सुपर डुपर हिट होती है। अब देखना बस ये है शाह पार्ट 2 में किस तरीके से नजर आएंगी श्रद्धा। दोस्तों, फिल्म में सॉन्ग्स ना हो तो मजा नहीं आता, और अगर पिक्चर पैन इंडिया में रिलीज होगी तो दोस्तों आइटम सॉन्ग तो होता ही है। जी हाँ दोस्तों, आइटम सॉन्ग सोर्सेज लाइक माने तो श्रद्धा कपूर अपनी अपकमिंग मूवी शाह 2 में एक आइटम सॉन्ग करने वाली है, जिसके चलते मेकर्स राजी हो गए हैं। अब बॉक्स ऑफिस में आग लगानी आएंगी श्रद्धा कपूर। इससे पहले भी कई फिल्म्स में आइटम सॉन्ग कर चुकी है श्रद्धा कपूर, पर अब देखना यह है कि क्या टॉलीवुड में अपना जलवा बिखेर पाएंगी श्रद्धा। पैन इंडिया सिनेमा की अपडेट्स और खबरें सुनने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। तब तक के लिए शब्बा खैर।